हेलो बच्चों, आज का टॉपिक है आपका व्हाट इज़ कुकिंग। क्लास थर्ड का है, सब्जेक्ट ईवीएस। तो मैं आपको कुकिंग के बारे में बताऊंगी। द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इन द किचन इज़ कॉल्ड कुकिंग। जो भी हम किचन में प्रोसेस करते हैं, जैसे कि सब्ज़ी काटना हो काटते हैं, चावल साफ़ करते हैं, या आटा गूंथते हैं, उसको बोलते हैं प्रोसेस करना। ठीक है ना? तो जो भी हम किचन में कोई प्रोसेस करते हैं उसको बोलते हैं कुकिंग। वी यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ यूटेंसिल्स फॉर कुकिंग आवर फूड। हम डिफरेंट अलग अलग तरीके के बर्तन इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि आपके घर में पेन होगी, कुकर होगा, फ्राइंग पेन होगी, पिचर होगा, गिलास, बाउल्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होंगी आपके किचन में जो हम इस्तेमाल करते हैं खाना बनाने के लिए। जैसे कि कढ़ाई, कुकर जिसमें आप खाना बनाते हो, कढ़ाई जिसमें आप फ्राई करते हो, या मटका होगा आपके घर में मिट्टी का बर्तन, या तो इस वाना कशर पर नोट या जिसमें आप पानी रखते होंगे, प्लेट है, गिलास है, बाउल है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम जिसमें हम खाना बनाते हैं, किसी में खाना डालते हैं, कोई पानी के लिए यूज़ होता है, तो अलग अलग तरीके से यूज़ होता है। अब मैं बताऊँ व्हाट आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ। जो ये बर्तन है ये किसके बने होते हैं? लकड़ी के, एल्युमिनियम के, स्टील के, कॉपर के, क्ले के, सिल्वर के, एट्सेट्रा। ठीक है, वुड की आपके घर में कड़छी होगी जिससे आप सब्ज़ी बनाते होंगे, या गैस बना खलन करना, ऐसे तेलाना सब्ज़ी खलन करना, या चावल भत खलन करना, खीर ऐसी बनाओ तथा खलन करना होते हैं कि लकड़ी का बर्तन यूज़ होता है। एल्युमिनियम का पतीला होगा चाय बनाने के लिए, दूध बॉईल करने के लिए। स्टील का बर्तन होगा दूध बॉईल करने के लिए, पानी गर्म करने के लिए। कॉपर के बर्तन होते हैं पानी पीने के लिए। अलग अलग तरीक़ों से इस्तेमाल करते हैं आप लोग, हम सब लोग घर में अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आपके घरों में भी ऐसा होगा। क्ले मिट्टी का बर्तन है जिसमें पानी रखते होंगे, सिल्वर के बर्तन हैं खाना बनाते होंगे, सब्ज़ी बनाते होंगे, ऐसे ऐसे चीज़ें हैं। ठीक है बच्चों, क्ले होती है मिट्टी। ठीक है बच्चों, तो मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है, अब मैं बताऊंगी अब मेथड्स ऑफ कुकिंग। जैसे कि रोस्टिंग, जैसे हम कोई भी चीज़ खाना, मेथड्स ऑफ कुकिंग मतलब कि खाना बनाने के तरीके, जैसे कि उसमें आता है रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। हम अलग अलग तरीके से खाना बनाते हैं। देखो, कोई चीज़ हम रोस्ट करके खाते हैं, कोई चीज़ हम बॉइल करके पीते हैं, कोई चीज़ हम फ्राई करके खाते हैं, कोई चीज़ हम बेकिंग करके खाते हैं। देखो, जैसे आप घर में चिकन बनाते हो, आप कोई तो फ्राई करके खाता है चिकन, ज़्यादा पसंद करता है, तो क्या कहता है, नहीं मैं आज घर में रोस्ट करके चिकन खाऊंगा या मटन। ठीक है बच्चों, अब है बॉइलिंग, दूध हम गर्म करके पीते हैं, पानी हम गर्म करके पीते हैं, एग हम बॉईल करते हैं, फिर उसके बाद उसको बनाते हैं, उसको बोलते हैं बॉईल करना। अब फ्राइंग है, फ्राइंग में क्या होता है कि फिश फ्राई करते हैं, चिकन फ्राई करते हैं, मटन फ्राई करते हैं, या आपके या पोटैटो होगा आपके घर में वो फ्राई करते हैं। तो ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें होती हैं जो हम फ्राई करके बनाते हैं। अब है बेकिंग, बेकिंग में क्या आता है, जैसे कि आप ब्रेड, केक, या आप नान वाई की दुकान पे जाते हो, आप वहाँ से रोटी लाते होंगे, कचौरियाँ, बिस्किट्स जो बनाते हैं उसको बोलते हैं बेकिंग करना। ठीक है ना? तो ये अलग अलग मेथड्स मैंने आपको दिखाए कि हम किस तरीके से अपने किचन में यूज़ करते हैं, क्या क्या बनाते हैं, रोस्ट क्या खाते हैं, बॉयल क्या क्या पीते हैं, फ्राइंग क्या क्या खाते हैं, बेकिंग क्या क्या खाते हैं। ठीक है ना बच्चों? तो ये था, तो ये आपका था ये मेथड्स ऑफ कुकिंग। ठीक है बच्चों, तो टॉपिक आपका था कुकिंग, जिसमें मैंने आपको खाना बनाने के तरीके बताए, बर्तनों के ये बताए कि यूटेंसिल्स किसके बने होते हैं, ये बर्तन बताए मैंने आपको, मिट्टी के बर्तन हैं जैसे कि एल्युमिनियम के बर्तन हैं, स्टील के बर्तन हैं, ऐसे ऐसे, या मैंने आपको बताया कि आपके घर में कैसे कैसे बर्तन होंगे, सबके घर में जैसे कढ़ाइयाँ, कुकर, मटका, गिलास, प्लेट, ऐसे ऐसे। ठीक है ना बच्चों? तो या मैंने आपको बताया कि मेथड्स ऑफ कुकिंग क्या होती है, रोस्टिंग, बॉइलिंग, फ्राइंग, बेकिंग। तो ये आज का टॉपिक था आपका व्हाट इज़ कुकिंग। तो बच्चों, आज का टॉपिक यही है आपका, तो कल हम नया टॉपिक लेके आएंगे। तो बच्चों, धन्यवाद।